हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर पाईचार्म को ओपन कर लिया मैंने। हमको जो स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाते थे उसी के लाइक हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। लाइक क्वेश्चन क्या आएगा आपको, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल में वैल्यूज एक्सचेंज करानी है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल का भी यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, क्योंकि यूजर को स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो एंटर कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा, एंटर द फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट वैल्यू फॉर ए। ओके, तो ये दिखाई पड़ेगा यूजर को स्क्रीन पे। और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर करके नीचे आइए। फिर यहां पे लिखता हूं बी इज इक्वल टू इंट, और फिर यहां लिखता हूं इनपुट, फिर यहां दे दूंगा एंटर द सेकेंड वैल्यू फॉर बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा हमको। डिफाइन क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देते थे वहां पे सी लैंग्वेज में वैसे यहां पर भी सी इज इक्वल टू ए कर दिया हमने। फिर नीचे आएंगे, यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां पे कर दीजिए ए इज इक्वल टू बी, ये हो गया। एंटर करिए, नीचे आइए। फिर यहां पर जैसे ही नीचे आएंगे तो बी इज इक्वल टू सी कर दीजिए, बस बात खत्म। ये बी इज इक्वल टू सी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। और अब यहां पे प्रिंट लिख दीजिए और यहां पे प्रिंट करवा दीजिए क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं वैल्यू फॉर ए एंड बी इज नाउ, ये कर दिया हमने। और यहां पे ए कॉमा बी दे देंगे, हो गया काम। बस अब इसको यहां से रन करवा देते हैं। तो यहां सीधा रन पे चलता हूं मैं, और यही था हमारा। तो इसको एक बार रन करवा देता हूं। तो यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू फॉर ए, तो पहली वैल्यू ए के लिए मैं 7 एंटर करता हूं, एंटर प्रेस किया। दूसरी वैल्यू यानी कि अब दूसरे के लिए एंटर करना है तो 77 एंटर करता हूं। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ए एंड बी के लिए, देखिए ए में क्या स्टोर हो गया, 77 स्टोर हो गया है। ठीक है, और बी में क्या स्टोर हो गया, 7 स्टोर हो गया।